हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मासिक या आकर्म चक्र। बहुत से स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता ही है और आज के ये वीडियो आपका कंफ्यूजन का बिल्कुल क्लियर कर देगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको ये क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपके 100% सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस साइकिल में फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाए बेसिक से लगा करके, और जितना आपके लिए एसेंशियल है वो सब कुछ आपको इस क्लास में बताया जाए। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज इसको ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती किसमें है, किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है प्राइमेट्स में। अब प्राइमेट में कौन आता है? प्राइमेट में तीन लोग आते हैं। कौन कौन से? एप्स, मंकी और तीसरे आते हैं ह्यूमंस। ठीक है, तीसरे आते हैं ह्यूमन बींग। एप्स, मंकी, ह्यूमंस, इनकी जो फीमेल कैटेगरी होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है। तो इसका जवाब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसेंशियल है। अब क्यों इसेंशियल है? इसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये ओसाइट्स का फॉर्मेशन करती है और यूट्रस को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, इट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओसाइट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्यों इसेंशियल है? क्योंकि ये ओसाइट्स का फॉर्मेशन करती है और यूट्रस को तैयार करती है प्रेगनेंसी के लिए। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को समझ लेते हैं। आइए अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स। जैसे इसमें तीन टर्म्स मेनली आते हैं, एक है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है मीनार्क और तीसरा है मीनोपॉज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे ऑप्शनल क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नीट जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीबीएसई और अदर बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में ऋतुस्राव, मीनार्क को हिंदी में रजोदर्शन और मीनोपॉज को हिंदी में रजो निवृत्ति बोलते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी टर्म्स को क्या है। पहला टर्म है ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन। ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड और म्यूकोशल टिश्यू, ब्लड एंड म्यूकोशल टिश्यू आर डिस्चार्ज इन पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर का मतलब क्या है? कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो ये प्रोसेस होगा ही होगा, ऋतुस्राव होगा। इसमें होता क्या है कि जो इंडोमेट्रियम होती है, इंडोमेट्रियम टूट करके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है और ये प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले से 3 दिन का होता है, फर्स्ट 3 डेज, या कभी कभी ये पहले 5 दिनों में भी होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला टर्म मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं ऋतुस्राव। और इसमें होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द ब्लड एंड म्यूकोशल टिश्यू आर डिस्चार्ज इन द पीरियोडिक मैनर फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ यूट्रस थ्रू द वेजाइना। आप इन टर्म्स को समझते हुए चलिए, अदरवाइज अभी मैं जब आपको ग्राफ डिस्कस करूंगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है,
और आप जो पिछला वीडियो है, जो मेरे दो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पिछले वीडियोस हैं, उनको भी आप जरूर जाकर के देखिए। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां से मैं कुछ अभी टर्म्स यहाँ पर कोरिलेट करवाऊंगा, तो आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आप समझ गए होंगे, पीरियोडिक मेनर का मतलब क्या है, पीरियोडिक मेनर का मतलब समझ चुके हैं कि हर महीने में जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो उसके फर्स्ट 3 या 4 डेज में जो प्रोसेस होगा, जिसमें ब्लड और म्यूकोशल टिश्यू वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, मेंस्ट्रुएशन कहलाएगा, ठीक है। ये है मेंस्ट्रुएशन। दूसरा जो टर्म आता है वो है मीनार, और तीसरा टर्म आता है मेनोपॉज। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मीनार क्या है, आप जरा टर्म्स को समझिएगा, ये दो टर्म से मिलकर के बना है, एक है मीनो प्लस आर्क, ठीक है, और ये भी दो टर्म से मिलकर के बना है, एक है मीनो और दूसरा है पॉज, ठीक है। मीनो का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और आर्क का मतलब होता है टू स्टार्ट, और मीनो का मतलब आपको बताया मैंने मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पॉज का मतलब होता है टू सीज या टू स्टॉप, ठीक है ना। टू स्टॉप का मतलब होता है परमानेंटली स्टॉप, ठीक है। तो मीनार का मतलब होता है टू स्टार्ट, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना। तो आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस इन द ह्यूमन फीमेल, ठीक है ना। ये वो टाइम है जब पहली बार ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, तो उसको बोलते हैं मीनार, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मीनार रजोदर्शन। अब ये कब होती है, ये इसका कोई एक परमानेंट एज नहीं है कि ये इसी एज में होगी, 13 की एज में होगी या 14 की एज में होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल में प्यूबर्टी का कोई टाइम फिक्स नहीं है। प्यूबर्टी 10 ईयर की एज में भी आ सकती है, 11 ईयर की एज में भी आ सकती है, 12 ईयर की एज में भी आ सकती है, तो आपको पता है। तो ये स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना। यानी एवरेज अगर लेकर के चलेंगे तो 12 टू 15 इयर्स एज में, ठीक है, ये इसी एज में स्टार्ट होती है। अब इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि मीनार किसे कहते हैं, व्हाट इज मीनार, रजोदर्शन किसे कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये स्टार्ट कब होती है, तो स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है। ये आपसे टाइम ड्यूरेशन कभी भी नहीं पूछा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए आगे, मीनोपॉज किसे कहते हैं, मीनोपॉज क्या है, रजो निवृत्ति, यानी दिस इज द परमानेंट सीजिंग। ये क्या है, परमानेंट सीजिंग है, दिस इज द परमानेंट सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ओसाइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग, यानी एजिंग के कारण ओसाइट्स का डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, परमानेंटली वो रुक जाती है। ये कब होता है, ये इसकी जो एज है वो जनरली 45 टू 55 की एज तक, एवरेज में बता रहा हूं, एवरेज ये 45 टू 55 इयर्स की एज तक ये जनरली देखा जाता है, देखा गया है ऐसा कि मेनोपॉज आ जाता है 45 टू 55 इयर्स की एज तक। तो तीन टर्म कौन कौन से हैं, पहला टर्म है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा टर्म है मीनार, और तीसरा टर्म है मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन किसे कहते हैं, जब ब्लड और म्यूकोशल टिश्यू का वजाइना के थ्रू बाहर आ जाना, वो क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन। मीनार में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, यानी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलना, वो क्या कहलाता है, मीनार कहलाता है। मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आखिरी दिन, फिर उसके बाद वो कभी भी नहीं चलेगी, तो वो क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे पहले मैं उनको डिस्कस करूंगा, देन मैं
आगे के वीडियोस को आगे की क्लास को कंटिन्यू करूंगा। अब आगे चलते हैं, इसकी कुछ फेजेस की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आइए अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की चार फेजेस हैं। पहली है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी है फॉलिकुलर फेज, तीसरी है ओव्यूलेटरी और सिक्रेटरी फेज, और चौथी है ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होती है वो पहले तीन दिन चलती है, यानी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, ये होती है मेंस्ट्रुअल फेज। और जो दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज, ये है फोर्थ डे से लगा करके और 13th डे तक, 13वें दिन तक ये चलती है। 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज या सिक्रेटरी फेज चलती है, सिर्फ एक दिन की होती है जिसमें ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा और ओवा वहां से सिक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं ओव्यूलेटरी या सिक्रेटरी फेज। नेक्स्ट, इसके बाद जहां से ग्रेफियन फॉलिकल से ओवा अलग हो जाता है और बचा जो पार्ट है उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, उसका आगे फॉर्मेशन होने लगता है, उसका वो आगे जाकर के उसका जो काम होता है वो होने लगता है, जिसको मैं अभी आगे बताऊंगा, और आगे जब इम्प्लांटेशन का वीडियो आएगा, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का, तो मैं उसमें इसको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है उसका, ठीक है। तो उसके बाद जो स्टार्ट होती है वो ल्यूटियल फेज स्टार्ट होती है, जो 14 to 28 डेज तक चलती है, ठीक है। तो ये है चारों फेज। अब पहले हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे एंड देन हम एक एक करके इन सभी फेजेस को देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये दो जगह चलती है, एक जगह चलती है ये ओवरी में और दूसरी जगह चलती है ये यूट्रस में। ओवरी में ये चलती है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, और यूट्रस में चलती है ओवा को इम्प्लांट करने के लिए। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओवा के साथ इंडोमेट्रियम भी रप्चर होकर के और वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर जो ओवा बना है वो फर्टिलाइज हो गया तो ओवा इम्प्लांट होगा कहां जाकर के, उसके लिए ये जो दूसरी जगह यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि ओवा यहां आकर के सेट होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी जगह चलती है, दो जगह चलती है। अब आप समझ गए होंगे, और अब हम इस इवेंट को देखते हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता है इवेंट कितने होते हैं, फेजेस कितनी हैं, चार मेन फेजेस हैं। पहली फेज कौन सी है, मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फेज कौन सी है, फॉलिकुलर फेज, तीसरी फेज कौन सी है, तीसरी फेज का नाम क्या है, तीसरी फेज का नाम है ओवुलेटरी फेज, और चौथी फेज का नाम है ल्यूटियल फेज। चारों फेजेस को और सभी स्टेप्स को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 to 35 डेज में कंप्लीट होती है साइकिल, लेकिन एवरेज लेकर के चलते हैं ये 28 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने पहले से इसलिए बना लिया है ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। आइए देखते हैं डेज। ये नीचे की तरफ ये डे फर्स्ट है, ये डे 14 है और ये 28 है, ठीक है। इसके बीच में सारे डेज होंगे, डे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री और से लगा करके 28 तक, ठीक है। ये सब डेज यहाँ पर होंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से इवेंट होंगे। पहला तो यूट्रस में जो चल रहा है उसमें कौन कौन से इवेंट होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। कौन से ओवरी में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दो ही हार्मोन ओवरी में रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद ओवरी में क्या हो रहा है, कौन कौन से इवेंट है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। और उसके बाद पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और कहां पर उनका क्या पोजीशन है वो यहां पर आपको दिखाया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यूट्रस में आप देखिए यहां पर डे फर्स्ट, डे सेकेंड और डे थर्ड, जो इतना ये डेज रहते हैं यहां पर, जो यूट्रस में जो फेज चलती है वो फेज कौन सी होती है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना। वो कौन सी फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ठीक, कौन सी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज के बाद
जो फेज आती है उसे बोलते हैं प्रोलीफरेटिव फेज, प्रोलीफरेटिव फेज। ये क्या है प्रोलीफरेटिव फेज? अगर दोनों को मिला दें, मेंस्ट्रुएशन और प्रोलीफरेशन दोनों को मिला दें और दोनों को मिलाकर एक तीसरा नाम दे देंगे फॉलिकुलर फेज। और ये जो फॉलिकुलर फेज है ये है आपका चलेगा कहां पर, ये आपका कहां चलेगा, ओवरी में चलेगा फॉलिकुलर फेज। लेकिन आप याद रखिएगा फॉलिकुलर हमेशा यूज होगा ओवरी में, लेकिन जैसे ही आप यूट्रस में आएंगे आप फॉलिकुलर फेज नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे पहले तीन दिन चलेगा मेंस्ट्रुअल फेज फिर उसके बाद चलेगा प्रोलिफरेटिव फेज। व्हाट इज प्रोलिफरेटिव फेज? प्रोलिफरेटिव का मतलब है कि जो इंडोमेट्रियम टूटी है उस इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होने लगे, यही है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है ना, इस क्या है मतलब इसका कि जो इंडोमेट्रियम टूट गई है वो फिर से धीरे धीरे बनने लगे, यही है क्या प्रोलिफरेटिव फेज। इसका मतलब क्या है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, अब इसको जरा समझ लीजिए कि ये इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है। देखिए जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता जाता है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे फॉलिकुलर बढ़ता जाता है फॉलिकुलर में प्रेजेंट ग्रैनुलोसा सेल का नंबर भी बढ़ता जाता है। बात को समझ लीजिए ध्यान से कि जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता जाता है साइज में, वैसे वैसे उसमें जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। और ग्रैनुलोसा सेल के बढ़ने से इंपैक्ट ये पड़ता है कि ये एस्ट्रोजन को अच्छी खासी लेवल में रिलीज करने लगते हैं, जिससे कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। और एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है किसके पास, एलएच के पास। ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है एलएच के पास, एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भेजता है एलएच के पास। और एलएच दो काम करने लगता है, कौन सा काम करने लगता है? एलएच पहला काम करता है ओव्यूलेशन करा देता है, यानी ओवा को बना देता है, रिलीज करा देता है। और ये काम होता है कब, 14th डे पर। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। उसके बाद दूसरा काम ये करता है कि ये एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन में मदद करने लगता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, जैसे जैसे फॉलिकल का नंबर, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता जाता है फॉलिकल में प्रेजेंट ग्रैनुलोसा सेल का नंबर, ग्रैनुलोसा सेल भी बढ़ते जाते हैं। और ग्रैनुलोसा सेल के बढ़ने से होगा क्या, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ये पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा एस्ट्रोजन के पास, और एस्ट्रोजन दो काम करने लगेगा, एक तो एंडोमेट्रियम को बनाने लगेगा और दूसरा ये ओवुलेशन करा देगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर आप देखिए ये प्रोलिफरेटिव है। अब यहां पर देखिए ये रप्चर हो रही है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, नीचे है। अब देखिए ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि प्रोजेस्टेरोन का मतलब क्या है। देखिए जैसे हमारे मकान को कोई भी लेबर्स या मिस्त्री मिलकर बनाते हैं, लेकिन मकान को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हम लोगों की होती है। अगर हम लोग हट जाए तो मकान को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन मकान को अगर जब तक हम परमिट नहीं देंगे तब तक मकान को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। अब आप बताइए एक मकान बन गया, अब इस मकान को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी या उस जिसने बनाया है उस लेबर की, हमारी जिम्मेदारी है। तो यहां पर इंडोमेट्रियम को बना रहा है एस्ट्रोजन, लेकिन इसको संभाल रहा है प्रोजेस्टेरोन। तो अगर इंडोमेट्रियम को तोड़ना है या वो टूट रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम है। समझ में आ रही बात, वहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडोमेट्रियम टूट रही है तो वहां पर किस हार्मोन का लेवल कम होगा जिससे इंडोमेट्रियम टूट जाएगी, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, एलएच का, एफएसएच का, किसका लेवल कम होगा? तो वो लेवल कम होगा प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही लेवल कम होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर से टूट जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए इसका बिल्कुल फ्लैट है तो यहां पर से टूट रही है। फिर एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बढ़ रही है। अब देखिए यहां पर अचानक से ये क्या हो गया, बहुत हाई हो गया, क्योंकि अभी इसको संभालना है, अब इसको संभाल करके रखना है एंडोमेट्रियम को, तो इसको प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो आप ये याद रखिएगा कि बनाता है एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम को और संभालता है प्रोजेस्टेरोन। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं इसको समझने के लिए। देखिए यूट्रस में कौन कौन से इवेंट होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज,
और ये चलता है प्रोलिफरेटिव फेज 13वें दिन तक, और 14वें दिन हो जाता है ओव्यूलेशन। 14वें दिन क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। और इसके बाद जो फेज चलते हैं वो है ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज चलता है बेटा? ल्यूटियल फेज। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यूट्राइन इवेंट्स में ये इंडोमेट्रियम टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद ये जो पहले 3 दिन चलेगा उसके बाद इंडोमेट्रियम बने रहेगी, प्रोलिफरेटिव फेज कहलाएगा, उसके बाद ल्यूटियल फेज चालू हो जाएगी जो 28वें दिन तक चलेगी। ठीक है, अब यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल यहां पर भी कम होगा शुरुआत में भी, और इसका लेवल भी कम ही होगा। उसके बाद धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि टूटी हुई इंडोमेट्रियम को बनाना है, फिर से उसको बनाना है, तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होने लगेगा और एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा, जिससे कि इंडोमेट्रियम बने लगेगी। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा और वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन अचानक से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उसने एंडोमेट्रियम को बनाया है, और एंडोमेट्रियम को बनाने के बाद अभी इसको क्या करना है? संभाल रखना है। ठीक है, ये काम कब तक होगा? ये काम होगा 28 दिन तक, और 28वें दिन के बाद अचानक से फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ऐसे ही हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? टूट करके बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया आपका यूट्राइन इवेंट्स और ओवेरियन हार्मोन का लेवल। अब ओवरी में क्या होता है? ओवरी में यहां पर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, आप ओवरी को याद करिए, ओजेनेसिस मैंने पढ़ाया था, आप उसको याद करिए, तभी मैं कह रहा हूं। अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देखिए, उसको समझ जाएंगे तो आपको यहां पर समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए अब क्या होगा, यहां पर प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, से टर्सरी फॉलिकल बना, टर्सरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब बनेगा, जब बन जाएगा, तो यहां पर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? ये दो काम करेगा। पहले काम तो स्पर्म रिलीज होगा, तो ये दो काम करेगा। कौन से दो काम करेगा? एक तो ये ओव्यूलेशन करवाएगा, और दूसरा एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, और LH और FSH हार्मोन लगभग साथी में का लेवल लगभग साथ साथ ही इनका बढ़ता है, और LH हार्मोन जब बढ़ जाता है तो ये ओव्यूलेशन करवा देता है, उसके बाद इसका लेवल धीरे धीरे घटने लगता है, और FSH हार्मोन जो यहाँ से ओवम का फॉर्मेशन हो गया था उसके बाद जो बचा है वो कॉर्पस ल्यूटियम उसका संभाल करके रखता है कुछ दिन तक, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बचा रहेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये यहाँ पर से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ये भी नहीं समझ में आया है तो आपको यहाँ पर एक कलर डायग्राम आपको साइड में दिखेगा, उससे आप समझ लीजिएगा, जिस जो कि डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके फॉलिकुलर इवेंट्स, इसके जो इवेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। आइए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस की। पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है? ये एक पीरियड है मेंस्ट्रुएशन का, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तब ये मेंस्ट्रुअल फेज चालू होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 5 दिनों का होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि इंडोमेट्रियम टूट जाती है, यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो टूटती है, जिससे कि ब्लड वेसल्स जो उसमें लिक्विड होता है, ब्लड वेसल्स के साथ में ब्लड वेसल में ब्लड होता है और साथ में जो लिक्विड होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये इसमें तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? इट अकर्स व्हेन द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये तभी पाया जाएगा जब ओवरी से ओवा रिलीज हो लेकिन फर्टिलाइज ना हो। आप खुद सोच करके देखिए, अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया तब तो फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगी। अगर नेक्स्ट साइकिल नहीं चली तो पहले 3 से 5 दिन ही कहां आएंगे जब ये रिलीज होगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चली यानी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। अगर नहीं मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो इसका मतलब ये एक कारण प्रेगनेंसी का भी है। अगला लास्ट, मेंस्ट्रुएशन
इफेक्टेड हो सकता है किसके स्ट्रेस से, पुअर हेल्थ से और पुअर डाइट से। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया जा रहा है, अगर हेल्थ बहुत वीक है, अगर डाइट अच्छे से नहीं ली जा रही है, तो भी मेंस्ट्रुएशन इफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो क्या है पहला, ये कब होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है तभी मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। ये 3 से 5 दिन तक चलता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंडोमेट्रियम की लाइन यानी यूट्रस से इंडोमेट्रियम टूटता है, जिससे कि ब्लड और म्यूकोशल टिश्यूज बाहर निकलते हैं वजाइना के थ्रू। नेक्स्ट, अगर ये हो रहा है, इसका मतलब है कि जो ओवम है वो क्या है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है। ठीक, और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एक इंडिकेशन दे रहा है किसका, प्रेगनेंसी का। चौथा, मेंस्ट्रुएशन इफेक्ट हो सकता है किसके द्वारा, स्ट्रेस के द्वारा, तनाव से। अच्छा, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे भी इफेक्ट हो सकता है, और अगर डाइट अच्छी नहीं है तो उससे भी मेंस्ट्रुएशन अफेक्टेड हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आइए अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगली फेज, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या है, इसमें फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है, यानी फॉलिकल मैच्योर होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनने तक का सफर है, यानी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहां तक का, यानी 13th डे तक का जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज कहलाएगा। इसमें होगा क्या, इंडोमेट्रियम रीजनरेट होगी थ्रू प्रोलिफरेशन। अब ये प्रोलिफरेशन कहां का फेज है, याद रखिएगा जरा, प्रोलिफरेशन कहां का फेज है, ओवरी का फेज है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन कहां का फेज है, यूट्रस का, और फॉलिकुलर कहां का फेज है, ओवरी का। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन। आपको ग्राफ याद आ रहा होगा, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, रीजनरेट हो जाती है इंडोमेट्रियम, जो टूट गई थी वो रीजनरेट हो जाती है। फिर ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी हार्मोन को, इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट कर देते हैं LH और FSH को। LH और FSH को जब स्टिमुलेट करते हैं, तब आपको पता है क्या होता है, 13th डे पर खत्म होता है, 14th डे पर ओवुलेशन हो जाता है। तो अब अगली जो फेज है वो ओवुलेटरी या सेक्रेटरी फेज है, आइए उसको देखते हैं। आइए अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगली फेज, ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है, जब प्रोलिफरेटिव फेज खत्म होती है तो LH का लेवल अचानक से बढ़ता है, जो पिट्यूटरी हार्मोन, जिसको पिट्यूटरी स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि LH का लेवल अचानक से बढ़ता है। और बढ़ने से होगा क्या, जब ये बढ़ता है तो यहां से ये ओवम को रिलीज कर देता है, और ओवम कहां से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज हो जाता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल के बाद 14वें दिन ओवम अलग हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम अलग हो जाता है। ठीक है ना, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो अलग हो जाती है। ठीक, तो अब ये होता कब है, ये कैसे होता है, LH FSH जो हार्मोन है उसका लेवल नीचे होता है, डिक्रीज, और LH का हार्मोन, LH जो हार्मोन है वो मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। ये कब होता है, ये मिड साइकिल में ऐसा होता है, मिड साइकिल का मतलब 14th डे पर ऐसा होता है, जिस टाइम पर LH अपनी पीक पर होता है, जिस टाइम पर LH अपनी मैक्सिमम लेवल पर होता है, तो उसको बोलते हैं LH सर्ज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि LH सर्ज किसे कहते हैं, LH सर्ज वो होता है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी मैक्सिमम लेवल पर होता है, यानी पीक पर होता है, उसे बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, इसके बाद ये आपका होता है ओवुलेटरी फेज, जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, ल्यूटियल फेज का मतलब क्या होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है,
ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस ग्राफियन फॉलिकल येलो और गोल्डन कलर का एक पदार्थ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम 7 दिन तक वृद्धि करने के बाद प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने लगती है और फिर एलएच हार्मोन इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। एलएच हार्मोन जब इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होकर के एक वाइट कलर का कार्पस एल्बी कैलस बनाता है, कार्पस एल्बी कैंस बनाता है और यह ब्लड में प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करता है यानी कम करता है। ठीक है ना, ब्लड में प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करता है। कौन कम करता है? एलएच हार्मोन कम करता है। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन जो है वो इसको कम करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम यानी इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करता है और प्रोजेस्टेरोन जरूरी है क्यों, क्योंकि इंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। इंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। आपको पता है कि एस्ट्रोजन उसको बनाता है और प्रोजेस्टेरोन उसकी देखभाल करता है। ठीक है, तो इतना था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट समझ लिया। अगर अभी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दीजिए, अभी उसको टाइप कर दीजिए कि क्या कंफ्यूजन आपको रह गया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपने अभी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर अगला वीडियो आएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो छूट गया तो फिर आगे आपको एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखते रहिए इस चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।